भाई और उनकी बहनों, आते जाते कहीं भी रोड पर अपने इंजीनियर्स को इस तरह काम करते हुए जरूर देखा होगा, और ये इक्विपमेंट भी जरूर देखा ही होगा जो दूरबीन जैसा है। क्या इससे रोड नापते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, इसका काम कुछ और है। इसका क्या यूज है ये जानना है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अननोन ज्ञान की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसे डंपी लेवल कहते हैं। इसका यूज ये देखने के लिए किया जाता है कि रोड कितना फ्लैट है या किस एंगल पर कहां पर कितना मुड़ रहा है, यानी इससे रोड्स के एंगल देखे जाते हैं। वैसे भी सभी रोड के कट्स किसी एंगल पे ही बनाए जाते हैं। किस एंगल पर बनते हैं या कट्स कितने लगाए जाते हैं ये किसी और वीडियो में बताऊंगा, आज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस देखा जाता है और फिर उस डिस्टेंस में कितना एंगल है ये भी देखा जाता है। अब मान लो कि इंजीनियर को एक पुल बनाना है जो कि रेल की पटरी से गुजरता हो, तो इसके लिए पहले एक नक्शा बनाना होगा जिसमें उसकी ऊंचाई की लिमिट देखनी होगी कि भाई कितनी लिमिट रखनी है, जिससे उस पुल से जाने वाली गाड़ियां आसानी से चढ़ पाए और साथ ही वो पुल बिजली की तारों और दूसरी चीजों के ऊपर ही रहे। तो अब आप पुल के निर्माण होने के समय डंपी लेवल की मदद से देख पाएंगे कि आपने जो ऊंचाई की लिमिट रखी है ना, पुल उसी के हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब आपको मालूम चल गया है ना कि डंपी लेवल का यूज सिविल इंजीनियर्स करते हैं। इसका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा है। अगर ये नहीं होगा ना तो अपने स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अननोन ज्ञान से भरी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।